Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to study the process of standard costing. So last class में हम लोगों ने पढ़ा था standard costing क्या है, standard cost और estimated cost के बीच में क्या difference है, और budgetary control और standard costing के बीच में क्या difference है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था. इसके advantages, limitations ये भी हम लोगों ने complete कर लिया था. सो आज हम लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें और थोड़ा डीप जाएंगे और एक्चुअल में समझेंगे कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है और ये चैप्टर में आपका है क्या क्या. सो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है उसको हम लोग, उसका जब हम लोग वेरियंस निकालते हैं एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करके, तो वो प्रोसेस क्या रहता है और वो हम लोग क्यों करते हैं. सो इसको मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है. सो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, व्हाट इज दैट, आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है. सो फर्स्ट यू हैव टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स, राइट. फर्स्ट यू हैव टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स. जब आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है और फिर आपने एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और अभी आपके पास एक्चुअल कॉस्ट भी है, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट, यू हैव टू कंपेयर बोथ द कॉस्ट, लाइक एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट, दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है. कंपेयर करने के बाद दो चीजें हैं, कंपेयर करने के बाद उनके बीच का एक डिफरेंस, उनके बीच का एक वेरिएशन मिलेगा, दैट इज नोन एज योर वेरिएंस, और इस चैप्टर में है वो, दैट इज योर वेरिएंस एनालिसिस. सो कंपेयर करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, रिपोर्टिंग ऑफ द वेरिएंसेस टू द मैनेजमेंट. आपने वेरिएंस निकाल लिया, अब आप उसको क्या करेंगे, आप उसको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे. अब ये समझना है कि मैनेजमेंट को क्यों रिपोर्ट करना है. देखिए, जब भी आपका कुछ वेरिएंस आ रहा है ना, वेरिएंस आ रहा है इसका ये मतलब है, कभी कभी वो फेवरेबल होता है, मतलब आपका जो एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड से कम होता है, और कभी कभी क्या होता है, जो एक्चुअल है वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है. तो जब एडवर्स हो जाता है तो उस केस में उसको ठीक करने के लिए, उसको फेवरेबल करने के लिए, जो भी हमसे छोटी मोटी गलतियां हो गई रहती हैं उन सबको सुधारने के लिए फ्यूचर करेक्टिव मेजर्स, फ्यूचर करेक्टिव एक्शंस हमें लेना पड़ता है, मैनेजमेंट को लेना पड़ता है. सो बेसिकली हम लोग जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं उसका सबसे बड़ा एम ये है कि जो भी आपका वेरिएंस आ रहा है, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है, अगर एडवर्स आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, फ्यूचर करेक्टिव एक्शन को डिसाइड करना है. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया. और इससे पहले कि हम लोग सीधा जंप कर लें इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में और क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएं, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट में जो वेरिएंस आता है उसको हमें एक्चुअल में जब न्यूमेरिकल आएगा तो हमको उसको कंपेयर किस बेसिस पे करना है. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर दो ठो फेस वॉश हैं, दोनों सेम कंपनी के हैं. ये कितना है, ये है आपका 15 ml. ठीक है, ये है आपका 15 ml, और ये जो है ये है आपका 75 ml. ठीक है, और इसका जो प्राइस है, दिस इज फॉर ₹99 एंड दिस इज फॉर ₹445. ठीक है, सो अब हमें क्या कंपेयर करना है इसमें. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो जब भी हम कंपेयर करेंगे 15 ml को हम लोग 75 ml के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि क्या इनके प्राइस में कोई डिफरेंस है, ये तो नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट डू वी हैव टू डू, हमको ये जो 15 ml है इसको 75 ml में कन्वर्ट करना होगा. तो अगर ये 15 ml में ₹99 हो रहा है तो जब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, 75 ml में, तो तब इसका प्राइस कितना हो जाएगा, तब इसका प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 99 × 5, दिस विल बी हाउ मच, 495, राइट. इसको जब हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे सो दिस विल बी हाउ मच, 495, लेकिन इसका जो प्राइस है वो कितना है, 445 है. तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आगे चल के ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ना स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होगा वो अलग लेवल पे होगा और एक्चुअल कॉस्ट जो होगा वो उससे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़े लेवल पे होगा.
तो ये एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया कि अगर हमें कंपेयर करना है, कोई भी चीज़ को कंपेयर करना है, तो फर्स्ट हमें उन दोनों को सेम लेवल पे लाना होगा, ठीक है? तभी हम लोग जो कंपैरिजन है वो इजीली कर पाएंगे. और इनके बीच का जो वेरिएंस है, वेरिएंस कितना है, 50 रुपीज़ का, वो हम लोग निकाल पाएंगे. समझ में आ गया? अगर हम लोग इसको 15 ml के साथ करते कंपेयर, तो नहीं हो पाता, ऑब्वियसली नहीं हो पाता. 445 - 99 ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते. तो जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे, तो दोनों को सेम लेवल पर ही हमें कंपेयर करना होगा, ठीक है? सारे फॉर्मूलाज को पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये समझते हैं कि हम लोगों को जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है, जो वेरिएंसेस निकालना है, वो सब हमें किन किन चीज़ों के लिए निकालना है, ठीक है? सो किसी भी बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग, है ना? तो प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम लोग किन चीज़ों से निकाल सकते हैं, किन दो फैक्टर्स से? ऑब्वियसली जितना आपका सेल है और आपका कॉस्ट कितना है, उन दो चीज़ों से, ठीक है? दिस इज योर सेल एंड दिस इज योर कॉस्ट, राइट? तो अब हमें देखना है कि वेरिएंसेस किन किन चीज़ों में निकलेगा. सो कॉस्ट के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका पहला तो आता है आपका मटेरियल, फिर आता है आपका लेबर, फिर क्या आता है, फिर आता है आपका ओवरहेड्स, है ना? अब ओवरहेड, ओवरहेड भी दो टाइप्स के हैं. क्या क्या है? एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स, एंड दूसरा क्या है, दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड्स. फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, ये सब क्या है, ये सब तो आपको पता ही है. सो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमको क्या क्या वेरिएंसेस निकालने हैं वो हमें पढ़ना है. सो आपका जो ग्रुप 1 पेपर 8 का सिलेबस है, उसमें क्या क्या गिवन है, उसमें बस एक मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करना है और लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करना है. दिस इज फॉर ग्रुप 1. और ग्रुप 2 में क्या क्या है, मटेरियल है, लेबर है, दिस इज फॉर 1 एंड 2. उसके साथ साथ ग्रुप 2 के लिए ये भी है, ये भी है, और आपका जो प्रॉफिट वेरिएंस है वो भी आपको निकालना है ग्रुप 2 में, और जो है सेल्स या रेवेन्यू वेरिएंस वो भी आपको निकालना है. सो हमें टोटल कितने वेरिएंसेस पढ़ने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? तो पहले हम लोग ग्रुप 1 का कंप्लीट करेंगे, विच इज मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस. उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ग्रुप 2 में आएंगे. सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो मटेरियल और लेबर कॉस्ट वेरिएंस है हम लोग का ग्रुप 1 में, उसके अंदर हमें कितने सारे जो वेरिएंसेस हैं वो फाइंड आउट करना है. सो लेट्स गो फॉर मटेरियल फर्स्ट. मटेरियल वेरिएंस के केस में सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें 5 टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस फाइंड आउट करना है. सो द वेरी फर्स्ट वेरिएंस इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? इसका मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मतलब एक्चुअल में वो कितना इनकर हुआ था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो कि पहले से स्पेसिफाइड था, उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा. इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में, स्टैंडर्ड प्राइस में कितना हमारा कॉस्ट आता था टोटल, और एक्चुअल क्वांटिटी में, एक्चुअल प्राइस में कितना आएगा हमारा कॉस्ट, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, ठीक है? सेकेंड में आता है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस. व्हाट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस? प्राइस वेरिएंस है आपका द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ द मटेरियल, और किसके बीच में, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना आपने परचेज किया है. सो ये बेसिकली आपका है क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड. सो मटेरियल प्राइस वेरिएबल हो जाए, वेरियंस हो जाएगा AQSP, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस में अगर आप खरीदते एक्चुअल क्वांटिटी को तो कितना होता, माइनस आपका AQAP. एक्चुअल क्वांटिटी को अगर आप एक्चुअल प्राइस में खरीद रहे हैं तो
प्राइस का क्या डिफरेंस आ रहा है वो. सो नेक्स्ट इज योर मटीरियल यूसेज वेरियंस. तो ये क्या बोल रहा है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल क्वांटिटी यूज, मतलब क्या है ए क्यू, एंड द अमाउंट विच शुड हैव बीन यूज. विच शुड हैव बीन यूज मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एस क्यू, बोथ वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, आपका जितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस जितना आपका एक्चुअल क्वांटिटी है, दैट इज ए क्यू, और दिस इज ऑल्सो वैल्यूड एट द स्टैंडर्ड प्राइस. सो ये आ गया आपका एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू एस पी. ठीक है, नेक्स्ट इज योर मटीरियल मिक्स वेरियंस. ये क्या बोल रहा है, वन ऑफ द रीजन्स फॉर मटीरियल्स यूसेज वेरियंस इज द चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ मटीरियल्स. जैसे कि बहुत सारे अगर रॉ मटीरियल्स यूज हो रहे हैं तो उस केस में मटीरियल मिक्स वेरियंस क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटीरियल यूज्ड एंड द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन प्राइज्ड एट स्टैंडर्ड प्राइस. तो ये जो मटीरियल मिक्स वेरियंस है इसमें आपका एक न्यू एलिमेंट जो है वो इंक्लूड होता है, दैट इज आर एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू एस पी. आर एस क्यू क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब क्या है आपका जो भी मटीरियल जो मटीरियल मिक्स हो रहा है उनका एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम निकालते हैं. ये कैसे निकालना है ये हम लोग जैसे ही चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. एंड द लास्ट वन इज मटीरियल यील्ड वेरियंस. मटीरियल यील्ड वेरियंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अचीव्ड. स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एस पी अचीव्ड एंड द एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ मटीरियल्स यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट. स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस मतलब क्या है आपका एस पी, दोनों में जो है स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन रहेगा. और फर्स्ट क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन दैट हैज बीन अचीव्ड. स्टैंडर्ड मतलब दिस विल बी एस क्यू माइनस ये कितना हो जाएगा. फिर बोला है वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट, सो दिस विल बी अगेन आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर एस क्यू एस पी. आई नो थोड़ा सा ये आपको कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें, लेकिन जैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे ना आप लोग को ये सब समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट, पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे एकदम अपना मास्टरी लाएंगे, उसके बाद ही हम लोग लेबर में आगे बढ़ेंगे. तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये सारा फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, है ना. तो इसको याद रखने का एक टेक्निक मैं आपको बता दे रही हूँ. हम लोग पहले हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं. और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको बताया नहीं है, दैट इज़ जब भी हम लोग एस क्यू एस पी कैलकुलेट करेंगे ना, वहाँ पर जो एस क्यू होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो हम लोग क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट. ठीक है, सो दैट विल बी नोन एज योर एस क्यू ए ओ. तो हमारा जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एस क्यू ए ओ मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड प्राइस, ये आ गया हमारा फर्स्ट. सेकेंड इज वॉट, आर एस क्यू एस पी. थर्ड इज योर ए क्यू एस पी. हमारे पास ये चार ही चीज़ें इन्वॉल्व है, चार ही एलिमेंट्स, और इन्हीं सब को लेकर ही हमारा जितना भी फॉर्मूला है ये बना है. सो इन्हीं सब को देख कर ही हम लोग ये जो मैं आपको जो टेक्निक बता रही हूँ ये आप लोग देखिए. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर देंगे. दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर. ठीक है, तो एस क्यू ए ओ एंड एस पी, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, मटीरियल कॉस्ट वेरियंस, दैट इज योर एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू ए पी. मतलब दिस विल बी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दिस इज वॉट एम सी वी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा मटीरियल प्राइस वेरियंस. मटीरियल प्राइस वेरियंस क्या बोल रहा है, ए क्यू एस पी माइनस ए क्यू ए पी. दिस इज वॉट मटीरियल प्राइस वेरियंस, एम पी वी. ठीक है, थर्ड में क्या है, मटीरियल यूसेज वेरियंस. तो ये है हमारा एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू एस पी. ये जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था
इससे पहले बताया था, ये सब फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिख के रखें, और हो सके तो ये डायग्राम भी आप लोग मेरे साथ बना लीजिए, सो दैट आप जब पढ़ेंगे ना ऐसे ही कलरफुली बनाएंगे, सो दैट आपको जितनी बार आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहता जाएगा. दिस इज योर मटीरियल यूसेज वेरियंस, है ना. फोर्थ क्या है, मटीरियल मिक्स वेरियंस. ये बोल रहा है आर एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू एस पी, दिस माइनस दिस, दिस इज योर वॉट मटीरियल मिक्स वेरियंस. और जो फोर्थ है, फोर्थ इज योर मटीरियल यील्ड वेरियंस. ये आपका ये वाला है मटीरियल यील्ड वेरियंस. सो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, 1 माइनस 2 इज एम वाई वी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2, ठीक है. वैसे ही हम लोग इसको यूसेज वेरियंस जो है वो क्या है, 1 माइनस 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1u3. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज योर कॉस्ट वेरियंस, 1 माइनस 4, दिस विल बी 1c4. और फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा मिक्स वेरियंस. मटीरियल मिक्स वेरियंस क्या है, 2 माइनस 3, 2m3. फोर्थ क्या है, फोर्थ इज योर 3 माइनस 4, 3pv. अब आप सोचेंगे इसको कैसे याद रखना है, वेरी सिंपल. आप जैसे ही एग्जाम में जाएंगे ना, आपको रफ कॉपी में इतना लिख देना है, आप पहले 3 ठो 1 लिखेंगे, फिर नीचे 2 एंड 3 लिखेंगे, ठीक है, दिस इज योर 4, 2 एंड 3 लिखेंगे, फिर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज 4, दिस इज 3, और ये है आपका 2 3 4. 1 तो होगा नहीं ऑब्वियसली, सो क्या बचा हमारे पास, 2 3 4 3 4. और यहाँ पर आप लोग ये जो बीच के जो लेटर्स हैं ये आप याद कर लीजिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये फॉर्मूला को याद रखना, और एग्जाम में आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ऐसे एक्रोनिम्स लिखना एग्जाम में भी अलाउड है. अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता भी है और आपको लिखना पड़ता भी है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको अलाउड है ऐसे एक्रोनिम्स लिखना, ठीक है. सो आई होप ये वाला जो चीज़ है आपको समझ में आ गया अच्छे से. और अब हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि एस क्यू ए ओ क्या है. एस क्यू ए ओ इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर आर एस क्यू. आर एस क्यू इज योर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो हम लोगों ने देखा जो बेसिक टर्म्स हैं इसके. अब हम ये चारों का देखेंगे कि मीनिंग क्या है. फर्स्ट वन इज योर एस क्यू ए ओ एस पी. इसका मीनिंग है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटीरियल. स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटीरियल, ठीक है. सेकेंड क्या है आपका आर एस क्यू एस पी. दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड मटीरियल. थर्ड क्या है आपका, थर्ड इज योर ए क्यू एस पी. ए क्यू एस पी क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ, खुद बताओ, एक्चुअल मटीरियल. दिस विल बी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटीरियल. लास्ट में क्या है आपका, वेरी इजी, ए क्यू ए पी. ये क्या होगा, दिस विल बी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटीरियल. एक्चुअल मटीरियल, ठीक है. तो ये जितना भी आप, जितना आप लोग इस चीज़ को रिवाइज करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. सो ये जो बीच के लेटर्स हैं इसको आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहे प्रोनाउंस कर सकते हैं, और इस टेक्निक को याद रखें तो ये चीज़ आपको इजीली
अपने दिमाग में रह जाएगा, और बार बार ऐसे ही इसको कलरफुली थोड़ा सा ड्रॉ करके अगर अपने आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो उसके सामने एक बार इसको चिपका दे, या फिर जहाँ पर भी आप लिख रहे हैं उसको बार बार देखें, सो दैट ये जो फॉर्मूला है आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए। और ये तो हम लोगों ने एक्रोनिम्स देख लिया, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि MCQ में कभी कभार पूछ देता है ये, तो उस टाइम अगर आप इसको बस RSQSP AQSP ऐसे याद रखे होंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये सबको याद रखना भी तो इट्स वेरी इजी ना। देखो यहाँ पर SP है, सो दिस विल बी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटीरियल। RSQSP है तो ये क्या हो जाएगा? रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटीरियल। नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटीरियल। नेक्स्ट क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटीरियल। अब ये तो खत्म हो गया हमारा मटीरियल वाला, इस पे बेस्ड हम लोग आज दो क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। सो CMA इंटर एग्जाम, सो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज तक, या फिर आपके स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इजी। इजी क्या है? इजी वो है जिसमें आपको एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं रहता है, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 1, वेयर एक्चुअल आउटपुट इज नॉट गिवन, है ना। सेकेंड क्या है? सेकेंड इज योर मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन। मॉडरेट काइंड ऑफ मतलब आपको तीन या चार वेरियंसेस पूछा होगा, और 3 to 4 वेरियंसेस, और यहाँ पे RSQ का जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। और थर्ड इज योर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से लेंथी होते हैं, इसमें फिगर्स बड़े बड़े रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में RSQ वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता ही है। और ये जो क्वेश्चन है ना, दिस एक्चुअली रिक्वायर्स मोर थिंकिंग। इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। जैसे इजी या मॉडरेट क्वेश्चन है ना, इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत फॉर्मूला डालो, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बेसिकली आपका स्टडी मटेरियल के एंड में जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली इसी कैटेगरी के हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग को जानने की ज़रूरत है कि हम लोग का जो प्रोसेस रहेगा कैलकुलेट करने का वेरियंस, वो क्या रहेगा। सो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, उसमें आपको निकालना है बजटेड इनपुट, और जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना। और सेकेंड में क्या है? SQAO, दैट इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। ये दो स्टेप आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप जैसे ही वेरियंसेस निकालते हैं वैसे आपको फॉर्मूला पुट करके वहां पर निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो इजी क्वेश्चन होता है उसमें क्या है, एक्चुअल आउटपुट जो है AO जो है वो हमें गिवन होता ही नहीं है, तो उस केस में आपको SQAO निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा SQSP निकाल सकते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड, क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 10 kg ऑफ मटीरियल एट अ रेट ऑफ 4 per kg, ठीक है। तो इस केस में ये क्या है, 10 kg आपका क्या है, दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, है ना, और 4 क्या है, दिस इज योर स्टैंडर्ड प्राइस। फिर बोल रहा है द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए कम्स टू 12 kg ऑफ मटीरियल, सो 12 kg क्या है, दिस इज योर AQ, एंड इसका जो रेट है दिस इज योर AP 4.5। आपको तीन चीजें यहाँ पर निकालने बोला है, फर्स्ट क्या है, मटीरियल कॉस्ट वेरियंस, सेकेंड है मटीरियल यूसेज वेरियंस, और थर्ड है मटीरियल प्राइस वेरियंस। सो यहाँ पर जो हम लोगों ने निकाला था,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो RSQSP का इन्वॉल्वमेंट है ये बस दो ही टाइप के वेरिएंस निकालने में है. वन इज योर मटेरियल यील्ड वेरिएंस और थर्ड वाला क्या है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, है ना. सो RSQ अगर आपको सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस पूछा है तो उस केस में आपको RSQSP निकालने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो आप लोग अपने कॉपी में, खुद लिखो फॉर्मूला क्या है, मेरा मत देखो खुद लिखो. पहले आपको 3-1 लिखना है, ठीक है, 3-1 लिख लिया आपने. उसके बाद आता है 2 and 3, फिर इधर क्या आ जाएगा, 2 3 4 3 4, YUCMP. इसको आप अपने हिसाब से जो भी प्रोनाउंस करना चाहे प्रोनाउंस कर लें, तो आपको फॉर्मूला इजीली याद रह गया यहाँ पर. सो हमें बोला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा है. सो कॉस्ट वेरिएंस क्या है, इधर आता है 1 - 4. सो 1 क्या है, 1 इज योर SQSP माइनस AQAP, राइट. देखते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज योर SQSP माइनस AQAP. तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आपको कॉन्सेप्ट अभी तक आई थिंक क्लियर हो गया है, तो इसका कैलकुलेशन आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं. सी SQSP और AQAP सब हमें गिवन है, हम लोग निकाल सकते हैं SQSP, AQSP एंड AQAP निकाल सकते हैं और इसको फॉर्मूला में डाल सकते हैं. सेकेंड में पूछा है मटीरियल प्राइस वेरियंस. प्राइस वेरियंस क्या है, कॉपी देख के बताओ. 3 - 4, 3 - 4 मतलब AQSP माइनस AQAP. हमारे पास तो सारा वैल्यू अवेलेबल है, हम लोग डाल के निकाल सकते हैं. और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. कॉस्ट वेरिएंस क्या है, सी 1 - 4, सो ये हो जाएगा आपका SQSP माइनस AQAP, है ना. तो ये तो आप लोगों ने निकाल लिया. अब बात यहाँ पर ये आता है कि अगर आप लोगों का ये जो वैल्यू है ये माइनस में आता है, मतलब अगर आपका SQSP आपके AQAP से कम है, जैसे कि यहाँ पर 40 - 48 दिया है, सो दिस विल बी -8, तो इसको हम लोग -8 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग तो इसको इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ निकाल रहे हैं, तो रुपीज़ तो माइनस में हो ही नहीं सकता. तो जहाँ पर ऐसे माइनस में आता है तो ये समझ लेना कि ये जो वेरियंस आ रहा है ना ये एडवर्स में आ रहा है. अगर ये 48 - 40 होता और यहाँ पर +8 आता तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते, F लिखते ब्रैकेट में. F का मतलब फेवर, फेवरेबल, ठीक है. यहाँ पर प्राइस वेरिएंस भी हम लोग का एडवर्स में आ रहा है और कॉस्ट वेरिएंस भी आपका एडवर्स में आ रहा है. तो ऐसे केसेस में क्या है, ऐसे केसेस में क्या होता है, हमने देखा था कि अगर एडवर्स में आता है तो मैनेजमेंट क्या करता है, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेता है, है ना. सो इसीलिए अगर फेवरेबल में आ रहा है तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, और अगर एडवर्स में आ रहा है तो मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है. ठीक है, ये तो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 3 वेरियंसेस, सेम यूसेज प्राइस एंड कॉस्ट. तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको RSQ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड ये भी दिया है, सो वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड ये भी दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड दिया है. ओके, सो दिस इज योर SQ. फिर दिया है स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल दिया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओके ये दिया है हमें. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है एंड आई थिंक आप लोग इसको एक बार घर में खुद ट्राई करिए. अगर नहीं बनता है आपसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो फिर मैं अगले क्लास में इसको सॉल्व करूँगी. ठीक है, और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विडी टॉटल को सब्सक्राइब करें. और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है.